नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के दिन का क्या रहने वाले आपका भाग्यशाली रंग और क्या रहेंगे आपका भाग्यशाली अंक और आज का दिनचर्या कैसे रहने वाली है और आज के दिन आपको कैसे कार्य करना है और आज के दिन आप सभी को किन किन चीज़ों से आपको लाभ मिलने वाली हैं और किन किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को पूरे अंत तक देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय माता दी। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें कि ताकि रोजाना राशि फल आपको समय समय पर मिल सकें। आज आप व्यवहारिक की भी अपेक्षा रखने वाले कई मुद्दों में भावनात्मक व्यवहार करेंगे। अस्पष्ट सोच रखते हुए यह समझने की भी कोशिश करें कि आपकी इच्छाएं क्या हैं और आपके लिए क्या हैं और आपके भीतर कुछ ऐसी भावनाएं पैदा हो सकती हैं जो आपको कुछ सीमाएँ लांघने के लिए भी उसका हो सकती हैं और ऐसे कि कोई भी फैसला लेने से पहले सबको भी सूचित कर दें। आज अपने आप को दुर्घटनाओं और चोटों से भी और बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी और रखने होंगे क्योंकि आज लगी हुई छोटे चोटों भी गंभीर सिद्ध हो सकती हैं। आपको अपने डॉक्टर को भी दिखाने की भी जरूरत पड़ सकती है लेकिन किसी भी स्थिति में और किसी शारीरिक तकलीफ के प्रति लापरवाही से काम ना लें, यह अस्थायी समय है। लेकिन तब भी आप अब अगर अपना और ध्यान रखेंगे तो आपको भी भविष्य में कोई परेशानी भी नहीं होंगे। आप में से सामाजिक और ऊर्जा की भी अधिकता भी रहेंगी। आप अपने साथी के साथ लोगों से मिल सकते हैं। एक सरता के लिए आपके स्वभाव में नहीं है और कुछ नवीन करने की भी कोशिश करें क्योंकि बोरियत और आपके संबंधों के लिए हावी होती हैं और दिख रही हैं। व्यावसायिक और कार्य क्षेत्र में संबंधित मामले एक जबरदस्त गति से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आप एक बवंडर में भी फंस गए हैं। आप ध्यान से भी देखें, आपका साथी किनारे पर भी आपका इंतजार कर रहे हैं। आप स्वभाव से भी गंभीर हैं और अपने कार्य करने के लिए भी प्रतिबद्धता का फल अब मिलने का भी समय है। दिन के अंत में इसे प्रमुख और आपके लिए वित्तीय लाभ के लिए संभावना है जो और आपके लिए भी और आपके लिए भी ईमानदारी से भी और कड़ी और मेहनत से भी और आपके लिए अर्जित की हैं। लेकिन आपको केवल जिम्मेदारी के लिए भी कर्तव्य भावना से कार्य नहीं करना चाहिए बल्कि कार्य को करने के लिए भी हर्ष का भी भावनाएं विकसित करें ताकि आपके भी कार्य करते हुए आनंद की प्राप्ति भी होने की संभावना है। आज के दिन और आप दान के लिए भी और नॉन प्रॉफिट कामों को करने के लिए भी इच्छुक भी हैं। कार्य के प्रति और आपका भी सकारात्मक नज़रिया और कौशल भी और आपको भी और उस स्थिति में भी ले जा सकते हैं जिसका आपने ड्रीम भी और देखा है। शारीरिक समस्याओं से बढ़ने से पहले मेडिकल जांच के लिए भी अस्पताल जाएं या डॉक्टर से मिले, ऐसा प्रतीत हो रहे हैं कि आज कुछ भी और आपके जीवन पर गहरी छाप भी छोड़ेंगे। काम या करियर की ओर से आपका भी व्यवहारिक दृष्टिकोण आपको आर्थिक रूप से समृद्धि होने से में मदद करते हैं। आज धन और आराम के लिए भी आपके कार्ड में है। अपने लक्ष्य के भी तरफ से अडिंग रहें और अपने और कर्मों को भी देखें क्योंकि वही आपकी नियति भी आपके लिए रहने वाली हैं। और आज के दिन मेष राशि वाले जातकों के लिए भी और व्यापार के मामले में काफ़ी अच्छा भी रहने वाली हैं और आज के दिन लोग अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो दिन काफ़ी अच्छा भी रहेंगे। आज आप अपने व्यापार को लेकर जो भी योजनाएं बना रहे हैं वह सभी पूरी होंगी जिससे भी आपको भी आपके व्यापार को लाभ होगा। नौकरी पैसा वर्ग के भी कर्मचारी और अपने कामों के लिए व्यस्त देखे जाएंगे। जो लोग परिवार के लिए व्यवसाय भी और व्यापार भी और करते हैं तो उन सभी आज बच्चों के साथ मिल सकते हैं और आज के दिन घर परिवार में पति पत्नी के मध्य किसी पुरानी बात को भी कहा सुनी भी होती देखी जा सकती हैं। आज के दिन आपके पुराने मित्र एवं के लिए लाभकारी साबित होने की संभावना भी रहने वाली है। आज के दिन कोई घाटा या नुकसान आपके जीवन की उदासी के रंग भी भर सकते हैं, इसलिए धन का व्यय भी सोच समझ कर करें। प्रेम संबंध में धोखे का मतलब जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए संबंध की शुरुआत हो सकते हैं। आपका हर सपना पूरा होगा, बस पहल करने की भी जरूरत है। आपका परिवार के लिए आपका सोलमेट भी आज आपके लिए सबसे अच्छा महत्वपूर्ण है।
उन्हें आपके आविष्कर्ता पढ़ सकते हैं और प्यार के इन पलों के लिए भी आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे आपके कानों में कोई सितार बजा रहे हैं। अपने और प्राणों से भी प्यारे साथी को भी और कोई ऐसा सरप्राइज भी दे उसे पूरा भी पूरी उम्र से याद रखने की भी आविष्कर्ता भी आपके लिए भी रहने वाली हैं। और आज के दिन और आपके सभी और स्वास्थ्य को भी लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। यदि आपको सेहत संबंधी कोई भी परेशानी लगती हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क भी आपको करने होंगे। मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार करना अत्यंत लाभकारी भी देखे जाने की संभावना भी रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के लिए अभी आप आत्मविश्वास से महसूस कर रहे हैं। हाल ही में हुई कोई हानि आपको भी आध्यात्मिक खोज के लिए प्रेरित करेंगी। प्रार्थनाएं या और ध्यान भी राहत भी प्रदान भी कर सकते हैं। विचारों के साथ अकेले रहने के लिए भी एक नए और समय निकालने होंगे। करीबी लोग भ्रमित व्यक्तिगत क्षणों से भी बाहर निकलने में आपकी मदद भी कर सकते हैं। आपका घर आना और अपने और घर वालों के लिए भी त्योहारों की तरफ है। इस समय का आनंद लें और किसी पहचान के जरूरतमंद की मदद करें। इससे आपकी मित्रता मजबूती होंगी और दूसरों की बातों को भी सुनना आपके अधिकतम परेशानियों से दूर करेगा। गरजने वाले बादल बरसा नहीं करते, इसलिए कहिए कि मत बल्कि दिखाने की भी आवश्यकता है। और आज के दिन फिर मेष राशि वाले जातकों के भी चंद्रमा मिथुन राशि के भी गोचर के भी पारंगन में होने का कारण संपत्ति तथा शेयर बाजार में व्यापार करना आज आपके लिए लाभदायक होंगे। हालांकि और आज को भी आपको भी यह सुझाव देना चाहते हैं कि आप सावधानी से आगे बढ़ें और कुछ समय के लिए भी आपके लिए खोजबीन लगाएं और इसके लिए भी और अपने लिए भी और अपने लिए भी और बारे में भी और पता करिए कि निवेश करने से पहले और अपने विकल्पों की सावधानी से पूर्वक भी और चुनिए। इसके अलावा अपने छोटे से अवधि वाले और निवेशों के ऊपर भी ध्यान लगाने की बजाय और अपने लिए भी लंबे और समय से भी और अपने और निवेश करना भी और आपके लिए ध्यान केंद्रित करने होंगे। अपने और आज के निवेशों के लिए भी आपको एक मजबूत नींव भी बनाने की आवश्यकता है। दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच में भी समय आपके लिए भी शुभ बताए जा सकते हैं। इसलिए यदि आप कोई भी आरसी का भी कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय और इस कार्य को भी कर सकते हैं। हरा रंग आज आपके लिए भी शुभ रंग भी साबित होने की संभावनाएं आज के दिन आपके लिए भी रहने वाली हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए भी आज के दिन और आपके लिए रोमांस भी महसूस करेंगे और अपने और सपने के लिए खोज में रहेंगे। उसे आसपास के खोजना और बेकार हैं और आपका सच्चा पार्टनर दूरी पर भी है। इंटरनेट का पार्टनर खोज कर भी सफल हो सकते हैं। आज मौके का लाभ उठाएं तो आपके लिए भी बेहतर भी और रहने की संभावना है। और आज के दिन मेष राशि वाले जातकों के लिए अपने पास में बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। किसी भी परेशानी से लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। आज आपकी उत्पादन और क्षमता भी ज़्यादा रहेंगी। आपकी ये सारी समस्याएं सकारात्मक विशेषताएं आपके और अपने रास्ते में सभी बाधाओं को भी पार करने में मदद भी करने की आवश्यकता भी आपको रहने वाली हैं। और आज के दिन और आपके लिए और चैरिटेबल भी संस्थाओं के लिए और आज खूब दान